आईपीएल की अवैध स्ट्रीमिंग मामले में फंसी तमन्ना भाटिया, महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक्ट्रेस को भेजा समन। संजय दत्त का भी जुड़ चुका है नाम। आईपीएल 2024 का कुमार छाया हुआ है। क्रिकेट के दीवाने अपनी फेवरेट टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच कई वेबसाइट पर आईपीएल की अवैध स्ट्रीमिंग का मामला सामने आया है। इस केस में हाल ही में संजय दत्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वही अब अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को भी समन भेजा गया है। आईपीएल की अवैध स्ट्रीमिंग का मामला पहले ही दिल्ली के उच्च न्यायालय में चल रहा था। वही अब इसमें फिल्मी सितारों का नाम भी जुड़ चुका है। आईपीएल को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज रहता है। लगभग हर सीजन को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है। ऐसे में आईपीएल 2023 की अवैध स्ट्रीमिंग की वजह से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी Viacom18 को काफी नुकसान उठाना पड़ा। आईपीएल मैचों की कई वेबसाइट्स पर गैरकानूनी तरीकों से स्ट्रीमिंग की जा रही है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार महाराष्ट्र साइबर ने फेयर प्ले ऐप पर आईपीएल 2023 की अवैध स्ट्रीमिंग के संबंध में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में Viacom को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। तमन्ना भाटिया से पहले इस सिलसिले में अभिनेता संजय दत्त को भी 23 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन अभिनेता उनके सामने पेश नहीं हुए थे। हालांकि संजय दत्त ने अपना बयान दर्ज करने के लिए तारीख और समय मांगा था और पेशी की तारीख को लेकर कहा था कि वो उस दिन भारत में नहीं थे। बता दें कि साल 2022 में Viacom18 ने 2023 को लेकर 2027 तक के सीजन के लिए आईपीएल के डिजिटल राइट्स हासिल किए थे। द क्विट की रिपोर्ट्स के अनुसार इसके लिए प्लेटफॉर्म ने लगभग 23,758 करोड़ रुपए की डील की है। इसके साथ ही नेटवर्क ने WPL के लिए भी ग्लोबल मीडिया राइट्स 951 करोड़ रुपए के साथ खरीदे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए भैया टॉक को अभी सब्सक्राइब करें।